आप इस कदर जिद क्यों कर रहे हैं? अभी कल ही तो मिली हूँ आपसे। कल? एक एक पल एक एक सदी के बराबर है। कल तो समझो पिछला जन्म था। मिलो ना हुस्ना, अभी मिलो। आपकी ये दीवानगी ना, कह दो कि हमें बदनाम कर देगी। उसकी गली से उठकर मैं आन पड़ा था अपने घर। एक गली की बात थी और गली गली गई। हाँ, मैं होना चाहता हूं बदनाम, तबाह होना चाहता हूं, तबाह कर दो मुझको। सुन रही हो ना हुस्ना? मुझे यकीन नहीं। अच्छा बताओ, कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? सरयाब, कैसे ले लिया ये तुमने मेरा नाम? ऐसे जैसे किसी ने जिस्म से रूह खींच ली हो। अरे इस तरह पुकारोगी तो कब्र से उठकर भी आ जाऊंगा। आ रहा हूं मैं, बस एक बार अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देख लेना मुझे एक बार, और उस वक्त तक वहां से नहीं हिलूंगा जब तक तुम्हें एतबार नहीं आ जाएगा। तुम्हारे गली में, तुम्हारे घर के सामने, तुम्हारी दहलीज के सामने अपनी जान दे दूंगा। मुझे मरा पाओगी अपने घर के सामने, ये लाश पड़ी होगी। हेलो हुस्ना, जहारा, तुम्हें पता है वो यहाँ आ रहे हैं? कौन? अहमद सर है आप हैं? मगर वो तो मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। मैं तो उन्हें सिर्फ अजीब सा फ्लर्ट समझती थी। तो वो सीरियस? तुम्हें सच में ऐसा लगता है? लगता तो है, मगर वो तुम्हारे घर कैसे आ सकते हैं? उन्होंने तो मुझे टाइम दिया हुआ है। पता नहीं क्या कह रहे थे, कह रहे हैं कि मेरे घर के बाहर आके जान दे देंगे। रियली? मगर वो जान कैसे दे सकते हैं? जान वान की मुझे परवाह नहीं है, कहीं पे भी दें, बस मेरे घर के दरवाजे पे ना दें। और अगर परवेज ने देख लिया तो? परवेज की मुझे फिक्र नहीं है, वो तो अभी इसी नशे में घूम रहा है कि उसकी मुझसे मंगनी हो रही है। अच्छा उसना, मुझे ना कहीं जाना है, तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।